अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जागने की रात है, यहीं से मैंने आज अपने व्लॉग का आगाज़ किया है। मार्केट गई थी मैं, उसके बाद मैंने आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर मैंने इबादत स्टार्ट की। पहले मैंने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा एक कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, दूसरा कुरान ख़त्म करने की कोशिश है कि अल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द करवा दे, यानी 27वीं शब तक मेरा कुरान कंप्लीट हो जाए। 4:25 हो रहे हैं, हमने पढ़ ली तहज्जुद, उसके बाद मुझे सहरी भी बनानी है। सर में दर्द हो रहा है, सो ही नहीं हूँ ना, तो तहज्जुद पढ़ते हैं उसके बाद सहरी करते हैं। सहरी बनाने गई थी, किचन पे लगी हुई थी LED लाइट, वो ख़राब हो गई है। मैं इतनी परेशान हो गई, अंधेरा हो रहा है, तो मैं चार्जिंग लाइट लाती हूँ, ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, परेशान हो गई हूँ मैं तो। रिमोट बहुत अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये चार्जिंग लाइट तो मैंने की थी ना, थोड़ा हाँ हो गई है रोशनी, वैसे बनाती हूँ सारी। मैंने बनाया पराठा और अम्मी के हाथ की मज़ेदार नहारी जो अम्मी ने मुझे दी थी कि भाई सहरी में खा लेना, बहुत टेस्टी थी ये नहारी। अजानें स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ पे बर्तन जमा हो गया, मैं बर्तन वॉश करती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। जी जनाब, बर्तन भी वॉश हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर उसके बाद ना सोएंगे मज़े से और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ज़ोहर में। बहुत अच्छी नींद आ रही है मुझे। अस्सलामुअलैकुम, ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। आज मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, या तो रात को जागने की वजह से हो रहा है, क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, मार्केट गई, और मतलब रोज़े के बाद मैं रेस्ट करती हूँ ना, मैंने रेस्ट भी नहीं किया, मार्केट गई, वहाँ से आई, फिर उसके बाद रात में जागने का हो गया था, और फिर सहरी के बाद जाके कुछ 6-7 बजे मैं सो गई, फिर लाइट वगैरह ने बहुत तंग किया, तो मेरी नींद भी सही से पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो खैर, अब मैं जो है नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। फाइनली किचन की लाइट लग गई है, और ये लाइट इतनी कोई अजीब सी लग रही है ना मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने का किचन, मतलब लाइट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। खैर, गुजारा करते हैं, अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, फिर उसके बाद किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी जनाब, असर पढ़कर मैं आ गई हूँ, अब मैं करूँगी किचन का काम। और आज ना सच में बहुत ज़्यादा बिजी रहा है डे, कोई ना कोई काम निकलता रहा है तो ना उसमें बिजी रही, उससे ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाई। तो खैर, अब जल्दी से ना मैं इफ्तारी का काम स्टार्ट करती हूँ। आज बहुत जल्दी जल्दी मैं सब कुछ बनाया, तो इसीलिए मैंने वीडियोस बनाई नहीं, तो ये डायरेक्ट मैं आपको इफ्तार टेबल दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा इफ्तार हो गया है, और अब रह गए हैं थोड़े से बर्तन, फिर बर्तन वॉश करते हैं, मगरिब की पढ़ती हूँ मैं नमाज़। और आज ना मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मैंने सारा इसके जो रैक है ना, ये मुझे वॉश करने, इसलिए मैंने हटा दिए हैं। ये ऊपर की जो नेट ना गंदी हो रही है, ये भी साफ़ करनी है। तो बस अब ना सफाई सेशन स्टार्ट हो गया ईद के लिए ना, तो खैर यही चल रहा है काम। अब मैं पढ़ती हूँ नमाज़। रात के 9:30 हो रहे हैं और गैस जाने वाली थी, तो मैंने अपने लिए मैगी बना ली, बहुत भूख लग रही थी मुझे, मैंने इफ्तार से इसे नहीं किया था। और ये मैंने दही बड़े बनाए थे, ये दही बड़े ना इतने कोई मज़ेदार है ना, बहुत मज़े के, इसलिए नहीं ये मैंने बनाए, वाकई में बहुत मज़े के। तो खैर, मैं ये खा रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। तैमूर गए हुए तो इसलिए अकेले ही मैं इन्जॉय कर रही हूँ। ये देखिए हमारा कर्टन मैंने ना पर्दे वॉश करने के लिए दिए हैं ना, तो ये हमारे आजकल न्यू कर्टन है क्योंकि लाइट आती है ना, उसकी वजह से ना हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिलहाल ये लगाए हुए। सफाइयाँ शुरू हो गई हैं और बुरी तरह से ना मैं मसरूफ़ हो गई हूँ, साफ़ कर दी है
और जाले थे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ना ये सारी वॉल साफ़ कर दी है। अब ये सारा जो बर्तन का रैक है ना, ये मैंने खाली करना है। देखना कपड़ा भी सारा गंदा हो गया है, खैर ये तो धुल जाएगा। तो ये भी खाली करती हूँ, ये सारी बर्नी जो है ना ये भी वॉश करूँगी, सारा कुछ करेंगे आज। ये देखिए सारे मसाले वगैरह जो है ना वो मैंने खाली कर दिए हैं, बर्नी जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई हैं। अब इनको वॉश करते हैं सबको। चलें भाई, आफ्टर बिफोर तो बनता ही था ना, तो ये बिफोर के सीन है, आफ्टर सीन मैं आपको जब इंशाल्लाह सारा क्लीन कर देती हूँ तब दिखाती हूँ, अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। तो ये आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर का फ़र्क। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी इससे, मैंने नेट साफ़ की, जाले थे नहीं लेकिन फिर भी मैंने साफ़ किए। उसके बाद बर्तनों का रैक हटा के सारा क्लीन किया, बर्नी हटाई, बर्नी का रैक हटाए, सब क्लीन किया ये सारा। अभी मैंने आटा गूंदना है सेवी के लिए, ये बस मेरी पानी की बॉटल रखी हुई है। अभी सब सामान जो है ना वो मैंने हटाया हुआ है, और नीचे से सारे कबर्ड्स खोल खोल के मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो कर ली हैं। ठीक है जी, तो ये सब सफाई हो गई है, चूल्हा वगैरह मतलब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और ये मेरी 3 घंटों की मेहनत है, मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी, इस वक्त 3 बज रहे हैं और मैं 12:30-1 बजे से लगी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है ये हो गया, कल से कमरों की सफाइयाँ। तो बस अब मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ सहरी के लिए, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आया हो वो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, दुआ है हमेशा जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।